जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव खड़कपुर और वीरपुर बरियार में ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव के अंदर नालियों में गंदा पानी भर जाने से गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे बुखार व डेंगू के शिकार हो रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान इरफान का कहना है कि जो मेन रास्ता है काफी समय से उसकी नाली व रोड टूटा है, जिसकी वजह से रास्ते के ऊपर होकर पानी चल रहा है। इसकी शिकायत कई बार हमने लिखित में ब्लॉक अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है और क्षेत्र विधायक को भी लिखित में दिया था, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि या अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से रास्ते में काफ़ी पानी भर जाता है और ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव खरक और वीरपुर बरियार में जो मेन रास्ता है उस पर आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। गांव के अंदर दो सफाई कर्मचारी भी हैं, लेकिन गांव बड़ा होने की वजह से गांव के अंदर नाली चौक हो जाती है और रोड पर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण अपने हाथ से ही अपने घरों के आगे खुद ही सफाई कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि एक ग्रामीण अपने हाथ से ही सफाई कर रहा है। इसी बात को जब ग्राम प्रधान से बात की गई तब ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव काफ़ी बड़ा हो जाने की वजह से नाली चौक हो जाती है और सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए ग्राम प्रधान की जुबानी। मेरा नाम इरफान अली जी, ग्राम प्रधान पीरपुर बरियार उर्फ खरक जी, ब्लॉक मुंडा पांडे। अच्छा सर, मुंडा पांडे में अभी रुस्वा हो रही है, बातें सारी है कि बुखार चल रहा है, डेंगू चल रहा है, ये क्या मामला है सर? आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में भी है 15-20% और मुंडा पांडे क्षेत्र में ये लहर है डेंगू की, मलेरिया बुखार जैसी की है जी। हमारे स्वास्थ्य केंद्र है हमारे, उसमें डॉक्टर लोग की लापरवाही है, कम आ रहे वो ज़्यादा आए, लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करें। क्या चाहते हो आप? ये चाह रहे डॉक्टर लोग भी ज़्यादा आए और थोड़ा इस पर ध्यान दें तो ज़्यादा थोड़ा लाभ मिलेगा लोगों। अच्छे जैसे गांव की सफाई व्यवस्था आप कैसे करा रहे हो इस टाइम? सफाई व्यवस्था ठीक करा रहे हैं, जो रास्ते बिल्कुल ऐसे हैं जो कराने के हैं जी, जो अब बजट ना है, कार्य योजना में शामिल है, जैसे पैसा आता है उसे कराते हैं। सफाई कर्मचारी आपके गांव में कितने हैं? दो सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, बड़ा रोजाना आते हूँ? रोजाना आते हैं, मगर करते काम कम है। कम करते हैं? काम कम करते हैं। अच्छा, जैसे नाली चौक पड़ी है अभी मैंने देखी थी रास्ते में आपकी, तो क्यों मतलब उन पर आप दबाव नहीं बनाते उन पर? नहीं, दबाव भी बनाते हैं, कहते भी हैं, मगर थोड़े से हमारे यहाँ बड़ी जनसंख्या है, सफाई कर्मचारी कम ही है, दो हैं, दो की जगह चार होते तो। आप ग्राम प्रधान हो तो जनता आपकी है, गांव आपका है, तो उनसे जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे दबाव बना के आप गाँव को सफाई कराओ, जिससे बीमारी से बचाया जाएगा। नहीं, सफाई उनसे भी करा रहे हैं और अलग से हम अपने पास ही मजदूर लगवा के तब भी करा रहे हैं। अच्छा, क्या अपील करना चाहोगे अपने गाँव ग्रामीणों से? बस यही अपील करनी है कि साफ सफाई गांव में रहनी चाहिए, बीमारी से थोड़े से हटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर बैठने चाहिए। ठीक, आगे निवासी हैं आप? मेरा नाम मतलब चिराग अली है, मैं ग्राम बीरपुर बाजार और खड़ा का रहने वाला हूँ, ब्लॉक मुंडा पांडे पड़ता है मेरा, थाना मुंडा पांडे पड़ता है, तहसील व जलमाबाद। सर, जैसे डेंगू जैसी बीमारी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या मैं गाँव का राशन डीलर हूँ, जब मैं राशन बांटता हूँ तो देखता हूँ लोग बाग मेरे यहाँ आते हैं आदमी, तो उन देखता हूँ किसी को बुखार हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है। मेरे गांव में लगभग 60% बुखार से लोग परेशान हैं। मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है, उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही है और ये गांव में आके चेक हो जाए और ये लापरवाही कम हो जाए तो मेरा गांव उठता है कि इंशाल्लाह लाना चाहिए तो इस बुखार से समाप्त हो जाए। सर, जैसे अब गाँव के अंदर तुम्हारा मेन रास्ता है, इस पर पानी है, भरा पड़ा है सब, पानी की ऐसे क्यों भरा पड़ा, क्या वजह? नाली वाली साफ नहीं होती है? ये जो है हमारा जो रास्ता, मेन रास्ता तो कोई ख़राब नहीं, पल्ला एक रास्ता थोड़ा सा है, वो टुकड़ा ख़राब हो रहा है। हमारे माननीय प्रधान जी ने ये उल्लंघा आपने देखा होगा, ये तो बहुत ही बड़ा रास्ता ख़राब था मेरे घर तक आने के लिए जी, यहाँ पर उन्होंने काम कराया है, अब फिलहाल पैसा नहीं है, वो विधायक जी ने कहा था मैं अपने पास से करा दूँगा, उन्होंने भी काम नहीं कराया, मगर अब हमने बात की है तो वो ये कह रहे थे मैं अभी 2-4 दिन में और इसे दोबारा प्रयास करके थोड़ा बहुत पैसा आने वाला है और मैं इस काम को अभी करा दूंगा, उनको पैसा नहीं है इसलिए तो वो काम नहीं हुआ है। पहले से हमारे लगभग 5-6 साल से यही कंडीशन है, कीच गाड़ थी, अब तो बहुत सुधार है। नहीं, जो मेन रास्ता आपका उसका नाली साफ़ हो जाए उसकी, तो जो रोड पर पानी भरा है वो तो साफ़ हो जाएगा, उससे बीमारी से बचा जा सकता है। नाली नहीं बात, ये जुट्टा टोड़ियों से नालियाँ समाप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं नालियाँ, है ही ना। अब तो ये ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ वो टंकी लगी थी, उन टंकी वालों ने वो रोड खोद कर बिल्कुल ध्वस्त, बिल्कुल ख़राब कर दिया था, उस ख़राब होने के नाते 5 साल ऐसे पड़ा रहा। अब उसमें हम सोच रहे हैं, प्रधान जी कह रहे थे, रात ही मेरी बात हुई थी, कह रहे मैं चला गया 2-4 दिन में मेरा जुगाड़ लगेगा, तो अभी पैसा तो है नहीं, मैं इस काम को अभी लगवाऊंगा। अच्छा, जैसे 8 महीने हो गए अब ग्राम प्रधान जी,
तो अब तक आपके गांव में क्या क्या विकास कराए गए हैं? हमारे गांव में भैया स्कूल सही हुए हैं, और ये तुम्हारे कि इनके पूर्व प्रधान इकबाल हुसैन के यहाँ से और मौजूदा प्रधान के वहाँ तक सी सी टैल्स हुई है। इधर मेरे मकान तक सी सी टैल्स हुई है। यहाँ पर घोंटों घोंटों घर रहती थी, और तुम्हारे की जो कब्रिस्तानों का मेन रास्ता था वहाँ इकबाल बहरमान के घर से वो रास्ता हुआ है जी। हाँ, और भी गांव में दो चार जगह हुआ जिसे मेरी जानकारी नहीं है। सफाई कर्मचारी है यहाँ पर? सफाई कर्मचारी दो है हमारे। अच्छा, दो सफाई कर्मचारी हैं और नालियाँ चौक पड़ी हैं, ऐसी क्या वजह आती नहीं है क्या वो? अरे दो सफाई कर्मी क्या करेंगे, इतना बड़ा गाँव है, इतना बड़ा गाँव। अब तो कुछ सफाई आपको दिखाई दे रही होगी, इससे आप पहले आते एक आध दो साल पहले आए हुए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था गाँव के अंदर, बहुत दिक्कत थी। आज तो मेरा गाँव बहुत सुधार में है।